हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे एंड किया था। आप सबने देखा ही होगा दार्जिलिंग का व्लॉग। तो अब हम जा रहे हैं रॉक गार्डन, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आप सब सीन देख सकते हो यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है। इतना अच्छा मौसम है ना दार्जिलिंग का, और मतलब सच में यहाँ पे आके ना मज़ा ही आ गया। बहुत अच्छा लगा मुझे, दार्जिलिंग बहुत अच्छी जगह है। अगर दोबारा कोई बोले आने के लिए तो मैं डेफ़िनेटली आ सकती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं अंदर रॉक गार्डन के। पहुँच गए हैं हम। अरंश बहुत ज़्यादा परेशान है, बिल्कुल भी जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि पता नहीं ये थक गया है। सुबह जल्दी उठकर 3:30-4 बजे के निकले हुए हैं ना हम, इसलिए बेचारा परेशान हो गया है कि इसको नहीं जाना। बट कोई नहीं, चलते हैं, थोड़ा मनाते हैं बच्चे को, चलते हैं अंदर। देखो ना कितना खूबसूरत है सब। देखो एलिफेंट इधर। आज गुस्सा हो गया। चलो बेटा, मम्मा थक गई, आ जाओ थोड़ा सा, चलो फिर गोदी ले लूंगी। चलो ना, आप जा रहे हैं, आज नहीं आ रहा है। फाइनली जब यहाँ बीच पे हम पहुँचे, बीच रास्ते तक पहुँचे, तो अंश को मज़ा आया। ये जो गोल वाला प्लेस है ना, ये इसको काफ़ी अच्छा लगा। ये आराम से इस पर दौड़ रहा था, खेल रहा था। इसके रील्स मैं डालूँगी इसके इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अपने हालत ख़राब हो जा रही है, यहाँ पर चलने में बहुत मुश्किल है। हाँ चलो मारती हूँ, हाँ थोड़ा सा और मुश्किल है फ्रेंड्स चढ़ना। सच्ची में कितने ऊपर आ गए हम, पर मौसम और नज़ारा इज जस्ट ऑसम। तो हम इसके पूरे ऊपर तक नहीं गए थे फ्रेंड्स, हम आधे से थोड़ा ऊपर जाके 2 राउंड हमें और घूमना था, तो हम वहाँ तक नहीं गए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। वहीं से देखकर हम वापस आ गए और होटल आके नहा धोकर हम रेडी हो चुके हैं, अब वापस से निकल रहे हैं घूमने के लिए। 1.5 घंटे का टाइम हमें बीच में मिला था, जिसमें कि हम होटल पे आए, फ्रेश हुए और अब वापस से घूमेंगे फिरेंगे, और शाम को बस हमारी बस है, निकल जाएँगे हम यहाँ से। तो चलिए अब वापस से चलते हैं घूमने। हम लोग रेडी होके फिर से जा रहे हैं घूमने, है ना। फ्रेश होने आए थे, नहा धोकर रेडी हो गए हम लोग, चलते हैं फिर से घूमने। बाकी का टूर करेंगे, 3-4 जगह घूमा हमने, और हमने होटल से चेकआउट भी कर दिया क्योंकि उधर से ही हम निकल जाएंगे, फिर से आने की टेंशन नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ हम आ गए हैं टी गार्डन, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ का नज़ारा या फिर ये पूरा का पूरा टी गार्डन बहुत ही सुंदर है। चलिए आप सबको दिखाती हूँ और ख़ुद भी देखती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इतना अच्छा लग रहा है ना कि क्या बताऊँ मैं आप सबको, बहुत सुंदर है, सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। हाँ वही ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। अंश ने ये ऐसे एक्टिंग करता है क्योंकि जब मैं फ़ोटोज़ वगैरह लेती हूँ ना, तो ऐसे ही सारी करती हूँ कि हाँ मतलब हो गया, फ़ोटो क्लिक कर लिया मैंने, तो उसने भी ये सीख लिया। और जब फ़ोटो क्लिक करती हूँ ना मैं, तो ये भी ऐसे करके कहता है कि हो गया, फ़ोटो क्लिक हो गया। और वहीं पे बाहर निकलने के बाद, यहाँ पे बहुत सारी इस तरीके से दुकान है, जो आपके ड्राइवर होंगे वही आपको बता देंगे कौन से नंबर दुकान पे आपको जाना है। वहाँ पे जाके बैठो, वहाँ आपको चाय पिलाएंगे 1-1 कप, और फिर अगर आपको चाय पसंद आती है तो आप चाय बाय कर सकते हो। तो हमने भी यहाँ से थोड़ी बहुत चाय पत्ती शॉपिंग कर ली, बहुत ज़्यादा तो नहीं लिया हमने क्योंकि हम उतने चाय के शौकीन नहीं हैं, बट फिर भी ले लिया थोड़ा बहुत कि चलो ठीक है, ले लेना चाहिए। और चलिए अब इसके बाद यहाँ से निकलते हैं हम। अब यहाँ से निकलकर हम चलते हैं टेंजिंग रॉक। तो यही है ये रॉक, इसको अब हम सामने से एंटर करेंगे। तो देखिए हम पहुँच गए हैं, टेंजिंग रॉक इसका नाम है, और इस पर सब क्लाइंब करते हैं। 100 रुपीज़ है पर पर्सन क्लाइंब करने का, बट हमें इंटरेस्ट नहीं था, मुझे दिख गया पानी पूरी, तो चलिए पानी पूरी पहले खा लेते हैं।
चढ़ना है ऊपर आपको। और फ्रेंड्स वहाँ से निकलकर हम यहाँ आ रहे हैं रोपवे के लिए, जिसकी सीढ़ी जो है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो आप कभी आओ तो बहुत संभल कर आना। इसलिए तो मैं अंश को गोदी में लेकर चढ़ नहीं पाई कि नहीं भाई मुझसे नहीं होगा, अगर मैं थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो अंश गया और मैं भी गिरूँगी। फिर हम जब ऊपर आए तो टिकट वगैरह लेने चले, फिर मैंने ये तो फटाफट से चले गए टिकट लेने के लिए, बट क्या है ना कि रोपवे वगैरह से थोड़ा बहुत डर लगता है हर इंसान को। मैं भी डरी हुई थी क्योंकि आंश था, मुझे अकेले को जाना हो तो मुझे उतना डर नहीं लगता, बट मैंने सोचा कि नहीं आंश अभी थोड़ा ज़्यादा छोटा है। और सेकंड थिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है वो तो ये थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना यहाँ पर, इतनी लंबी लाइन लगी थी कि हमने फिर वहाँ पर वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और हम निकल गए। और ये देखिए ये है सेंट जेवियर्स स्कूल कॉलेज, जिसमें कि यारिया मूवी की शूटिंग हुई थी और शायद और भी बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई थी। बहुत सुंदर है फ्रेंड्स और बहुत ही ज़्यादा एरिया में है, इतना अच्छा है ना कि मैं क्या बताऊँ आप सबको, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अब चलिए हम चल रहे हैं जूलॉजिकल गार्डन में, जहाँ की हमें एनिमल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, तो चलिए अब वहाँ चलते हैं। तो अब थोड़ी सी लग रही थी भूख और प्यास, तो गाड़ी का सामान तो गाड़ी में रह गया, हम तो खाली हाथ उठ के आ गए, वो तो मैंने खाया नहीं था वहाँ पे, तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया आलू पराठा और अंश के लिए हमने लिया पेस्ट्री, क्योंकि उसको आइसक्रीम भी खानी थी, बट वो जो आइसक्रीम खाता है वो यहाँ पर नहीं था, तो पेस्ट्री से फिर इसका मन बहलाया हमने। तो चलिए थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं फिर आगे चलते हैं। हाँ बोल दीजिए हैप्पी बर्थडे टू यू। किसको बर्थडे है तो बताओ। संडे है बर्थडे। ठीक है लो। म्यूजियम, तो ये है फ्रेंड्स म्यूज़ियम, जो कि अंदर काफ़ी अच्छा है, बट फ़ोन अलाउड नहीं था इसलिए मैं लेकर नहीं गई, पर हाँ घूमने वाली जगह है, बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वॉर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर मैं आपको बताऊँ जितने इंडिया का मैप है ना उन सब के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मतलब अंदर जाके आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। उसके बाद फिर निकल कर हम तो रास्ता ही भटक गए थे कि और एनिमल्स कहाँ पर है, बट फाइनली फिर हम पहुँचे और बाकी के जो कुछ एनिमल्स बचे थे वो भी हमने देख लिया है, आप सब भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, जो कि बहुत ही अच्छा था अंदर से, इसमें भी फ़ोन अलाउड नहीं था इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, बट बहुत अच्छा है, आप चाहो तो ज़रूर देखना। उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम, जो कि मैं पूरी रात रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आप सब बोलोगे क्यों, क्योंकि फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका था और चार्ज करने का कहीं कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था और हमारे पास पावर बैंक नहीं है। तो ये है हमारी सीट, हमने स्लीपर ली थी, रेड बस से हमने बुक किया था अपना बस को, 1200 या 1300 में हमारी सीट मिल गई थी और बहुत ही अच्छी सीट मिली थी, हम कंफर्टेबल तीनों जने सो के आए आराम से एसी में। तो चलिए अब घर पहुंच रहे हैं, अब बाकी जो व्लॉग्स होंगे वो घर के होंगे। आई होप आप सबने हमारा ट्रैवल व्लॉग इन्जॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।